नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल उठकर ये आता है कि HSSC ग्रुप डी की आंसर की कब जारी होने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए आज हम आपको दैनिक भास्कर और नव भारत टाइम्स दोनों की आज की ऑफिशियल न्यूज़ दिखाएंगे। दोनों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि आंसर की आपकी कब आने वाली है, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक हरियाणा ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, हम आपको यह बात स्पष्ट कर दें कि YouTube पर बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं, लेकिन सभी अपने तरीके से ही बनाई गई हैं। यदि आपको सही तरीके से एकदम सटीक कट ऑफ जाननी है तो आप हमारे द्वारा बनाई गई कट ऑफ को देखें। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो एकदम सटीक कट ऑफ है। और जो ऑफिशियल कट ऑफ आगे से आएगी वो लगभग यही रहने वाली है, प्लस वन ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं HSSC ग्रुप डी एग्जाम 2018 जल्द ही जारी हो सकती है आंसर की। साथ में आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि 23 नवंबर 2018 की डेट है। साथ में मैं इन दोनों न्यूज़पेपर के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, जहां से आप इनकी डेट भी देख सकते हैं और दोनों ही खबर को और आप अच्छे से देख सकते हैं। दोनों ही न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, दैनिक भास्कर और नव भारत टाइम्स, दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो देख लीजिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी वक्त ग्रुप डी परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी यानी आंसर की जारी कर सकता है। तो हरियाणा कर्मचारी आयोग किसी भी वक्त ग्रुप डी की आंसर की जारी कर सकता है। हम आपको इसके एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे। आगे देखें, अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी तो ये खबर आपके लिए काफ़ी अहम है। आप भी अगर उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं तो दैनिक भास्कर के साथ जुड़े रहिए, आंसर की जारी होते ही इसकी सूचना आपको तुरंत दी जाएगी। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखने के बाद दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं हम नव भारत टाइम्स की। तो इसमें देखें, जानिए कब जारी होंगी आंसर की, ये भी आज की 23 नवंबर की ही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी पदों के लिए आयोजित किए गए एग्जाम की आंसर की जल्द ही जारी कर सकता है। फिलहाल इन पदों के लिए आंसर की जारी करने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस हफ्ते के अंत में और अगले हफ्ते के शुरुआत में, इस हफ्ते के अंत में मतलब या तो शनिवार को और या फिर सोमवार को इसकी आंसर की जारी हो सकती है। अगर आपने भी इन पदों के लिए एग्जाम दिया है तो आप HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से HSSC.government.in से आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस एग्जाम के बारे में बताया गया है कि आपका एग्जाम 10, 11, 17 और 18 नवंबर को आयोजित किया गया था और 18,218 पदों के लिए हुआ था। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जिनका एग्जाम 10 और 11 को हुआ था वे विरोध कर रहे हैं फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर और ग्रीष्म मार्च को लेकर। उनका जो भी है कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आंदोलन है, ग्रीष्म मार्च है, उससे संबंधित वीडियो हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से आपको प्रत्येक बात समझाई गई है कि 10 और 11 वाले एग्जाम पैटर्न को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, यदि सोमवार को इसकी आंसर की जारी हो जाती है तो फिर एक सप्ताह बाद लगभग इसके फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी, और फिर इसके बाद जनवरी में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जनवरी नहीं तो फरवरी के शुरू में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यह हरियाणा की एक बहुत ही बड़ी भर्ती है और हरियाणा सरकार इसे समय पर पूरा करवाना चाहती है। तो यह भर्ती आपके समय पर पूरी होगी, और साथ में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करते रहें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी और वहीं से देखकर आपको कंफर्म करनी है। और साथ में दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यूज़ आती है सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।